वर्ष में ले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और आज पूरे देशवासी हैं भारत की आज़ादी के लिए नेताजी के अतुलनीय योगदान को आज नमन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में झज्जर इनेलो कार्यकारिणी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान के लिए आज यहां पर एकत्रित हुई है। नेताजी को याद इन्होंने किया है, फूल मालाएँ हैं उनको अर्पित की गई है। तो झज्जर कार्यकारिणी से मैं पूछता हूँ, धनखड़ साहब ये बताइए कि आज सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करने के लिए आज पूरी टीम आई है, तो सबसे पहले किन शब्दों में है आप नेताजी को एक अपना सम्मान प्रकट करना चाहेंगे जो आज़ादी में उनका अतुलनीय योगदान है? प्रवीण भाई जी, आज जो है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज जो देश आज़ाद है, जो हम आज खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, वो नेताजी जैसे जो हमारे देश के वीर अनेकों शहीद हुए, इन्हीं के कारण जो है आज देश में जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और नेताजी का देश की आज़ादी में एक बहुत ही विशेष योगदान रहा है, और आज उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम जो है पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि वैसे यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई है, तो एक दो राजनीतिक सवाल भी मैं झज्जर इनेलो से लूँगा। ये बताइए जी, आजकल आपकी पार्टी के नेताओं में ज़्यादा ही जोश हम पत्रकार साथी हैं वो देख पा रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला बैकफुट पर हैं, उनके विधायकों के कारण हैं, और आपकी पार्टी से लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वापस इनेलो पार्टी में आएंगे, तो क्या स्टैंड देखते हैं आप? देखो, ऐसा है, दुष्यंत चौटाला के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला के बारे में किसी ने कुछ देखना और सुनना है तो जो उसका जो नकली उसने जो दादा बनाया था उसके उस दादा ने पूरी खुलासा कर दिया दुष्यंत के बारे में, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और अब आपने कहा कि भाई आपकी पार्टी की जो है अब कुछ ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोगों ने जो है पिछला जो चुनाव था उसमें दुष्यंत चौटाला को यूँ सोच करके लोग वोट दे दिया था, अब भाई ये जो है बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, लेकिन उसने बीजेपी को सरेंडर कर दिया, तो लोग तो बीजेपी से नाराज थे, राज को बदलना चाह रहे थे, और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने उसको वोट दिया था, लेकिन वो दुष्यंत उनके सरेंडर कर गया, तो लोग उससे नाराज़ तो अपने आप होने ही थे। जी, मैं बारी बारी सभी से पूछूंगा। सैनी साहब, आपका क्या विचार है इनेलो पार्टी को लेकर, और आज बोस जी का आपने सम्मान किया, क्या विचार अपने रखे हैं? हमारी पार्टी इनेलो हमेशा से शहीदों का इस देश के लिए जो भी काम करने वाले हमारे बुजुर्ग या और भी शहीद जो भी है उनका हमेशा से सम्मान करती आई है, सम्मान करती रहेगी। बाकी पार्टी के बारे में ये है कि भूले भटके जो लोग चले गए थे किसी कारणवश, अब वो गलती महसूस कर रहे हैं, वापिस आने की सोच भी रहे हैं, काफ़ी लोगों ने संपर्क भी किया है, तो अभी देखिए 2-3 महीने में बदलाव आपको नजर आएगा। जी, शुक्रिया। और मेरे साथ झज्जर से इनेलो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था जोगेंद्र जी, आज सुभाष चंद्र बोस को आपने पुष्प अर्पित किए हैं, आपकी पार्टी के तमाम लोगों के साथ क्या कहेंगे, और इनेलो पार्टी की सक्रियता को लेकर आप क्या विचार अपने रखेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता हूँ, और इन्हीं के बलिदान से हमारा देश जो है आज खुली सांस ले रहा है, बहुत बड़े काम किए जो हम तो कुछ भी कर नहीं सकते, और रहा पार्टी का तो जोश आया है, अभी उबाल आना बाकी है उसके अंदर, 2-4 महीने में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी पार्टी की मजबूती हो रही है, और बहुत अच्छा मजबूत दिखाई देगा आप आगे। और बादली के हल्का प्रधान है मेरे साथ रमेश चार साहब। रमेश जी, एक जिम्मेदारी आपने संभाली थी हल्का प्रधान की, और उसके बाद से पार्टी इंक्रीज भी होती जा रही है, और आज बोस जी को आप यहाँ पे नमन करने आए हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हम अपने देश के उस स्वतंत्रता सेनानी जी को नमन करते हैं जिसने हमारे देश को आज़ाद कराने में मेरे तो अपने विचारों से जी जो युवा को जगाना और सबसे अधिक क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले थे, तो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बगैर खून के बगैर कुर्बानी के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूं कि जब हमारे देश के जवानों ने कुर्बानी दी तो हमने आज अपने देश की स्वतंत्रता हासिल की, और इसका सबसे बड़ा योगदान है तो नेता सुभाष चंद्र बोस का है, इसलिए आज हम उसको नमन करने आए हैं, उसके चरणों में पुष्प अर्पित किया है, और इस बात की हमें खुशी है कि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष हुए
जिनको हमें बार बार याद करना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे शहरों में इस किस्म की प्रतिमूर्तियाँ हैं उनके लिए स्पेशल एक कर्मचारी होना चाहिए जो उनकी साफ सफाई रखे, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के और अपने मान जिन्होंने ये मानता के कार्य किए उनका सम्मान रखना चाहिए। ये साल में एक बार उसके जन्मदिन पर उनकी साफ सफाई होती है, इस बात से मुझे दुख है। उनकी साफ सफाई करने के लिए सरकार यदि एक कर्मचारी सफेद सलेन पर लगा दे तो अच्छी बात है। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे साथ प्रेस प्रवक्ता हैं पवन धोड़, उनसे भी पूछेंगे। पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं बाबू जी से पूछूंगा। प्रेस प्रवक्ता होने के नाते आज आप भी यहाँ पर मौजूद हो, बोस जी को आपने अपना नमन भी प्रकट किया है, पहले इसके बारे में बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि रामकुमार गौतम ने कल दोबारा से एक बमसा फोड़ दिया है, कह रहे हैं गलती से वीडियो वायरल हो गई है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? तो देखिए जी, सबको पता चल गया है दुष्यंत क्या था। ये राजकुमार गौतम जी ने अच्छी तरह से खुलासा कर दिया, हमारे कहने की जरूरत ही नहीं। बाकी रही शहीदों की बात, हमारी पार्टी सदा ही शहीदों का मान सम्मान करती है और करती रहेगी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और इन्हीं की बदौलत आज जो भी कुछ है हम आज। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ साथी भी हैं अशोक कासनी जी। अशोक साहब, आप बताइए कि आज बोस जी को आपने यहाँ पे नमन भी किया है और पार्टी को लेकर कितने पॉजिटिव हैं आप लोग? पार्टी को लेकर ऐसे जी, पार्टी पुर्टी सब ठीक है हमारी। हाँ। मैं तो अभय सिंह जी के साथ हूँ, अभय सिंह जहाँ जाएगा वहीं रहूँगा मैं जी। मैं तो अभय की कर रहा हूँ, अभय का हम तो बंदे अपने। तो पार्टी इंक्रीज होगी, कितने पॉजिटिव है इस चीज को लेकर? कैसे पार्टी ऊपर उठेगी आपकी, कितने आश्वस्त? पार्टी के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए जो गए थे वो वापस आने लग रहे हैं और सब और भी वापस आएंगे। जो बात कर रहे हैं भाई हम फलाने दिन चौटाला साहब आओ, जब आएंगे अब कभी आ जाओ, अब मीटिंग करेंगे चार साहब मीटिंग करेंगे। जब ये राजेंद्र जो था राजेंद्र चार नौ राजेंद्र वो कह रही ये और दो तीन और हैं वो वापस आ जाएंगे दोबारा पार्टी से। हाँ दोबारा। और दुष्यंत वाली पार्टी कोई जनाधार नहीं है, ना कोई किसी काम हो रहा है ना कोई बात। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को इनेलो की तमाम कार्यकारिणी है यहाँ पे नमन करने आई थी। और ये बात तो मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि आज जितने भी इनेलो के नेताओं से अगर मुलाकात होती है, मीडिया बाइट्स होती हैं, तो वो काफ़ी आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। और इनेलो वैसे भी दुष्यंत चौटाला को लेकर आक्रामक है, अभय चौटाला लगातार हमले कर रहे हैं, वो दुष्यंत बैकफुट पर हैं। बैकफुट पर इसलिए हैं क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक ही जब उनकी अगर पोल खोलने में ऐसे लगेंगे तो पार्टी तो बैकफुट पर जाएगी। हरियाणा की राजनीति में आने वाला कुछ समय है वो काफ़ी रोचक होने वाला है। शुक्रिया।